दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने आज नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अनिल बैजल आज उन जगहों पे पहुंचे जिन जगहों पे हिंसा बढ़ गई, चाहे वो मौजपुर इलाका हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का गोंडा इलाका हो, चाहे वो भजनपुरा इलाका हो। तो लगभग बताया जा रहा है कि जो एलजी अनिल बैजल आज पूरे काफिले के साथ और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी उसमें मौजूद थे, और उसके बाद उनका काफिला पहले मौजपुर इलाके में पहुंचा और वहां के मौजपुर इलाकों के लोगों से बातचीत करी और आश्वासन दिलाया कि अब वो एक तरीके से काजा सेफ है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सरकार की एक तरीके से जिम्मेदारी उनको सुरक्षा देना आम जनता को। उसके बाद उनका काफिला जो था वहाँ से गोंडा चौक पे पहुंचा, गोंडा चौक पे आम लोगों से बातचीत करी और एक तरीके से वहाँ पे भी अपील शांत रहने की अपील करी। उसके बाद उनका जो काफिला था, उसके बाद उनका काफिला भजनपुरा इलाके में पहुंचा, भजनपुरा के इलाके से भी बातचीत करी। उसके बाद आखिर में उनका जो पूरा काफिला था अनिल बैजल का नॉर्थ ईस्ट डीसीपी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहुंचा और यहाँ पे एक तरीके से लोगों के साथ मीटिंग करी, जो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो एक तरीके से बड़े जो लोग हैं उनको यहाँ पे बुला के बातचीत करी और एक तरीके से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील करी। तो कुछ देर पहले ही अनिल बैजल थे, लगभग बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले यहाँ से अनिल बैजल अपने काफिले के साथ वापसी रवाना हुए और पूरे इलाके में एक तरीके से दौरा किया और कहीं ना कहीं लोगों से आश्वासन दिलाया कि अब वो अपने आप को एक तरीके से सेफ महसूस कर सकते हैं। वहीं बुधवार के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक तरीके से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक तरीके से लोगों से शांत रहने की अपील की थी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़ दिल्ली।